बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पिक्चर पठान और दबंग खान की पिक्चर टाइगर 3 का क्या होने वाला है आपस में कनेक्शन? किस रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। जी हाँ, आने वाले दिनों में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर सलमान खान के तमाम चाहने वाले बहुत एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को हमेशा से ही ऑडियंस काफी पसंद करते हुए आई है, और एक बार फिर ये बॉलीवुड की नायाब जोड़ी तैयार है धमाल मचाने के लिए टाइगर 3 में। टाइगर 3 से जुड़ी एक और खबर आ रही है जो मैं आपको बता दूं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान के इस अपकमिंग फिल्म में इमरान हाशमी विलन के किरदार में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि इमरान हाशमी को टाइगर 3 में एज अ विलन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। वेल, इस खबर के साथ इमरान हाशमी के तमाम फैंस जरूर खुश होंगे। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इमरान हाशमी एक बेहतरीन अभिनेता हैं और वो टाइगर 3 में एज अ विलेन काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाइगर 3 रिलीज से पहले ही हिट घोषित कर दी गई है। जी हाँ, एक्चुअल में खबर ये है कि टाइगर 3 और शाहरुख खान के फिल्म पठान का आपस में कनेक्शन होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 और शाहरुख खान की फिल्म पठान का आपस में एक दिलचस्प कनेक्शन होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में पठान भी रिलीज होने वाली है और उस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान एक साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए सलमान खान के तमाम फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं, और इसका रीजन है सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस अपकमिंग फिल्म पठान में, तो इसी का वाइस वर्सा भी होने वाला है। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान का भी कैमियो हो सकता है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पठान फिल्म का अंत जहां होगा वहां से शुरुआत होगी टाइगर 3 की। ये इंटरेस्टिंग कैमियो आपस में क्या रूप लेती है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, वैसे शाहरुख खान और सलमान खान लंबे अरसे से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अब तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि ये अकेले अपने दम पर अपनी पिक्चर को हिट करवा सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों के ही फैंस इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक ही सेट पर होगी। वहीं दूसरी तरफ पठान का क्लाइमेक्स जब होगा, जब उसकी एंडिंग होगी, तो उसके बाद शुरुआत होगी टाइगर 3 की। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हालांकि आने वाले दिनों में सलमान खान की फिल्म राधे भी रिलीज होने वाली है इस ईद पर, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी सलमान खान के तमाम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।